बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पेरी पेरी चिकन स्टेक की रेसिपी दे रही हूँ। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पर मैंने जो है वो चिकन थाई ली है और उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। इसको मैंने जो है इस तरह से कट्स लगा के थोड़े छोटे पीस में काट लिया है। अगर आप चाहें तो आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाई यूज़ करी है और उसमें कट्स लगा लिए हैं थोड़े से छोटे करके। ठीक है, इस तरह के पीसेस कर लिए हैं। थोड़ा सा अगर इसके साथ चर्बी है तो कोई बात नहीं है, इसके साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। साथ में आप देख लीजिए, हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। लेमन मैंने यहाँ पर लिया है, हरी मिर्च मैं यूज़ करूँगी, गार्लिक के क्लोव्स यूज़ करूँगी, हरा धनिया है। यहाँ पर मेरे पास इसी लेमन का जो ग्रेटेड का ऊपर है, ऊपर का जो पार्ट होता है, ये मैंने ग्रेट कर लिया है, एक लेमन का है। ठीक है, ऑयल यूज़ करूँगी। उसके अलावा पेपरिका है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है। यहाँ पर मेरे पास नैंडोज की पेरी पेरी सॉस है जो मैं यूज़ करूँगी, वो विनेगर है। और साथ ही में मेरे पास एक रेड बेल पेपर है जो मैंने ऑलरेडी चॉपर में डाल दी है गार्लिक के साथ। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 kg मेरे पास यहाँ पर चिकन है। आप देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपनी सारी रेसिपीज़ जो है उसकी क्वांटिटी बता देती हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ब्लेंडर या छोटा सा मिक्सी जार ले लीजिए। उसके अंदर एक रेड बेल पेपर और 4 जो है गार्लिक के क्लोव्स, वो डाल के आपने एक हरी मिर्च के साथ पीस लेना है। ठीक है, बारीक करके पेस्ट बना लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपके पास जो होल पेपरिका होती है, रेड वाली बड़ी वाली पेपर, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप एक रेड बेल पेपर ले लीजिए, लाल वाली शिमला मिर्च, और उसके साथ हम 1 टेबल स्पून जो है पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे तो वो फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एक शिमला मिर्च के साथ मैं तकरीबन 4 गार्लिक क्लोव्स और एक हरी मिर्च को बारीक पीस के फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए, यहाँ पर आप देखिए, मैंने उसको सारी चीज़ें जो आपको दिखाई थी उसको थोड़े से विनेगर के साथ, तकरीबन 4 टेबल स्पून विनेगर के साथ और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने उसको पीस लिया था, क्योंकि वो थोड़ा मोटा फॉर्म में होता है तो आपको कोई ना कोई लिक्विड मिलाना पड़ता है। तो या तो आप उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिए, या फिर आपने जो विनेगर जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था 4 टेबल स्पून वो मैंने डाला है और साथ ही में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको बारीक पीस लिया है। तो ये हमारे पास मिक्सचर आ गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो ग्रेटेड लेमन मैंने आपको दिखाया था, उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो एक मैंने पूरा शामिल कर दिया है, कश किया हुआ। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे लेमन। लेमन तकरीबन मैं इसमें हाफ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, लेमन या लाइम कुछ भी हो आपके पास ऐड कर लीजिएगा। फ्रेश कोरिएंडर जो दिखाया था वो ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब होगा। 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल जा रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल इसी में से लेकर जो है मैंने जब मैंने पीसा था तो डाला था, लेकिन ये ऑल टुगेदर 4 टेबल स्पून ही है। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस, तकरीबन 4 टेबल स्पून। मैरिनेशन की जो सॉस होती है पेरी पेरी सॉस, ये वो है जो इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ साथ जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। तीनों चीज़ें डाल दीजिए, सारी मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखें सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से सारे मैरिनेशन को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप चिकन को इसमें मैरिनेट होने के लिए तकरीबन छोड़ दीजिएगा 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाएगी। उसके बाद जो ग्रिल पैन होता है उसके ऊपर रख के हम अपनी स्टेक को रेडी करेंगे। बहुत ही मज़े की स्टेक बनती है ये, और आप इसके साइड पर कोई भी चीज़ें बना सकते हैं, वेजिटेबल्स बना सकते हैं, मैश पोटैटो बना सकते हैं, फ्राइज़ अगर आपको पसंद है, अगर आपको कोई राइस पसंद है, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, तो इसके साथ बहुत अच्छे जाते हैं। इसके साथ मैं अभी एक डिप भी बनाने वाली हूँ जो इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो फिलहाल मैं इसको पहले मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम चिकन को इसके अंदर कोट कर लेंगे अच्छी तरह से, सारा मसाला इसके ऊपर लगा के। मेक श्योर कीजिएगा कि सारा का सारा आगे पीछे कट्स के अंदर अंदर बाहर सब तरफ लग जाए। और गुड मैरिनेशन देने के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद फिर आप इसको ग्रिल पैन पे बनाएं। तो ये मैंने लगा दिया है, हम अपनी रेस्ट भी डाल देते हैं चिकन। आप इसको बोनलेस में भी बना सकते हैं। बोनलेस के पीसेस लेके उसको फ्लैट कर लीजिएगा और उसमें थोड़े से गैशेस डाल दीजिएगा ताकि ये आराम से कुक हो जाती है। तो मैं इसको मैरिनेट करके कवर करके छोड़ दूंगी 2 से 3 घंटे और उसके बाद फिर हम इसको ग्रिल पैन पे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको क्लिंक करके काउंटर पर ही आप छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर हम इसकी सॉस बनाने लगे हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो ग्रीक स्टाइल योगर्ट लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और साथ ही में 1 टेबल स्पून विनेगर। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें, यह आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए हम इसको पैन पे डालने लगे हैं। तो ग्रिल पैन मेरा ऑलरेडी जो है वो प्री हीट हो चुका है, हल्का सा मैंने इसको ऑयल लगा दिया है। अब हम इसको इस तरह से करके डालते हैं। स्किन वाली साइड जहाँ से आपकी स्किन हो वो वाली डाउन करिएगा। ठीक है, और अब हम इसको जितने इसमें आ जाएंगे आराम से उतने इसको डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर अभी ये 3 के करीब डाले हैं। मीडियम आँच पे रखनी है हमने इसको,
और हमने इसको कम्प्लीटली कुक करना है, लेकिन हम इसको डालने के बाद एकदम से नहीं हिलाएंगे, तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। जब इसका अच्छा सा एक पीछे से कलर आ जाएगा उसके बाद हम इसको पलटेंगे और दोनों साइड से इसको इतना पकाएंगे कि कम्प्लीटली डन हो जाए। ठीक है, तो आपने थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं पलटना और अभी तो बिल्कुल नहीं पलटना, 5 मिनट के बाद आपने इसको पलटना। तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है ये मेरी चिकन डन हो गई है। अगर आपने बहुत ही थिन स्लाइसेस काटे हैं तो बहुत ही जल्दी से ये बन के रेडी हो जाएगी। जैसे बोनलेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बोल दीजिएगा स्टेक पीसेज बना दें तो आपके स्टेक पीसेज बनाएगा बहुत ही पतले पतले, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैंने थाई यूज़ की है, थाई जो है अनइवन सा होता है और मैंने इसके थोड़े से स्मॉल पीसेस कर लिए थे क्योंकि मुझे वैसे ही थाई का पीस जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा जूसी होता है। बहुत ही मज़े की टेंडर किस्म की और बहुत ही ज़बरदस्त पेरी पेरी चिकन जो है नैंडोज़ की बन के रेडी हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिए इसको, और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।